हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कल की बात आज यानी कि निफ्टी बैंक निफ्टी के एडवांस प्रोडक्शन में। यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ कि मंडे को क्या रणनीति होगी, क्या स्ट्रैटेजी होगी, निफ्टी को टॉप में कहाँ पे सेल करना है, बॉटम पे कहाँ पे बाई करना है, ओवरऑल इंट्राडे सेटअप शेयर करूंगा सिर्फ और सिर्फ उसके बदले आप लोगों से दुआ मांगना चाहूंगा। अब बात कर लेते हैं डायरेक्ट लेवल्स की, नोट कर लेना, पेपर पेन लेके बैठना। डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, प्लीज आप अपने फाइनेंशियल एडवाइस डिस्कस करने के बाद ही ट्रेड करना, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके एजुकेशन पर्पस के लिए है, राइट। सो अब जो इंपॉर्टेंट बात है वो बात ये है मेरे दोस्तों, निफ्टी फ्यूचर्स की अगर मैं बात करूं, जो मैंने आपको एडवांस प्रोडक्शन में बताया था, क्या बताया था कि अगर मार्केट में पैनिक आएगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ वेट करना है उस पैनिक का। किस जगह पे आपको मैं बता देता हूं, मार्केट में 22,047 का इंपॉर्टेंट हर्डल है। अगर बाई चांस इसके नीचे निकलता है तो 21,947 का पहला टारगेट, 21,870 का दूसरा टारगेट होगा और इसी जोन में आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है लोअर लेवल पे, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको, ये फ्यूचर्स का चार्ट बता रहा हूं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का 21,870 का लेवल नोट कर लो। अगर ये लेवल आधे घंटा सस्टेन कर गया फिर रियल ब्लड बात आपको देखने को मिल सकता है, 21,747 21,670 तक का लोअर लेवल का टारगेट होगा, डील। बाई चांस मार्केट अगर यहां से या तो बाउंस बैक करेगा और अगर 870 का लेवल है तो पहला दूसरा टारगेट ये आएगा। बाई चांस मार्केट यहां से गैप अप खुलती है, कल गैप अप खुलती है और ये डांस करेगा ऊपर की तरफ, तो याद है कल बताया था 245 का लेवल मार्केट देखो वहीं से रिजेक्ट करी है, 47 का लेवल मार्केट यहीं से बाउंस बैक किया है। बाई चांस अगर बाई चांस यहां पे मार्केट 245 के ऊपर निकलता है, 22,245 के ऊपर अगर निकल जाती है तो मेरे दोस्तों एक डेडिकेट बाउंस यस आपको देखने को मिलेगा, 22,347 यानी कि 22,347 22,370 तक का लेवल होगा, 22,370 तक का लेवल होगा और मार्केट वापस इसी जगह पे आएगा तो ओनली थिंग फॉर द सेल, कोई बाइंग नहीं करेगा। अगर ये 370 के ऊपर अगर ये सस्टेन कर गया आधा घंटा तो फिर पहला टारगेट 470 का, दूसरा टारगेट 570 का और इसी जोन में फिर से हम लोग सेल करने का सोचेंगे एंड सेट रिलैक्स। सेल जोन होगा ऊपर का जो लक्ष्मण रेखा 22,570 22,647 का ऊपर का लक्ष्मण रहेगा, 21,947 21,870 लोअर लेवल का लक्ष्मण रेखा। और जो ऑप्शन राइटर है आप इसके अंदर अपनी स्ट्रैटेजी बनाकर आपको पता है क्या करना है, और अगर नहीं पता है कम एंड ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, वहां पे मैं आपको अपडेट करूंगा कि एग्जैक्ट आपको करना क्या है, कैसे करना है, सो दैट आप लोग को हेल्प हो सके स्टॉक मार्केट की दुनिया से 2 पैसे प्लस करने में ना कि नेगेटिव करने में। और हाँ, अगर आप 10 लोग को फॉलो कर रहे हो तो कबड्डी कबड्डी खेलना बंद कर दो, फॉलो करना है तो सिर्फ एक या दो ही बंदे को फॉलो करना है, ये हमेशा बोलता हूं, बाकी आज तक आपने इतने लोगों को फॉलो किया पैसा बनाया क्या, सवाल आपसे है। सो दोस्तों गुरु तो बनाना पड़ेगा, एक बंदे को गुरु बनाओ और दिल से शिद्दत से 1 साल उसको दो, पैसा आप बनाना सीख जाओगे, लेकिन सीखना उससे है जो मार्केट में खुद पैसा बना रहा हो, ना कि उससे जो आजकल मार्केट में नए नए लोग आए हैं खुद पैसा नहीं कमा रहे हैं लेकिन ज्ञान पीने में लगे हुए हैं, तो मार्क माय वर्ड, ठीक है। अब मैं बैंक निफ्टी की लेवल्स की बात करूंगा, बैंक निफ्टी का 48,256 48,156 ये हमारा ऊपर का लक्ष्मण रेखा है। अगर एनी डेडिकेट अबाउंस इस जोन में आए तो अपॉर्चुनिटी ढूंढना है सिर्फ और सिर्फ सेल करने का, दिमाग नहीं लगाना। अगर ये 256 के ऊपर जाएगा, 48,256 के अगर ये ऊपर सस्टेन करेगा देन ओनली वी कैन थिंक फॉर द बाई, 48,856 का पहला टारगेट, 49,156 का दूसरा टारगेट होगा एंड सेट रिलैक्स, मार्क माई वर्ड अभी बाइंग करनी, एनी डेडिकेट अबाउंस ठोकने का सोचेंगे, ठीक है। अब बाई चांस मार्केट में यहां से पैनिक आया तो 47 मैंने आपको पहले ही बताया 47,856 के नीचे ओनली थिंग फॉर द सेल, आपको बाइंग करने का नहीं ढूंढना है और ये उसका स्टॉप लॉस होगा, ये इंपॉर्टेंट हर्डल होगा। 856 के नीचे पहला टारगेट 47,456 47,156 46,856 का टारगेट होगा और इस जोन में आपको फिर से अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है बाइंग करने का, यानी कि 46,856 47,156 जोन में आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। सिंपल आसान शब्दों में आपको लेवल्स बताया, ये आपका टेक्निकल नहीं है मेरे दोस्त, ये न्यूरोलॉजी है, ये एक्सपीरियंस क्या है, जो 18 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठा हूं, सेमी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हो, सीखना चाहते हो तो आ जाओ। 20 तारीख को हमारी ऑनलाइन क्लासेस चालू होने वाली है, मिस मत करना, क्योंकि अगर आपने वो क्लासेस मिस किया तो समझ लो आपने बहुत बड़ा लॉस फिक्स किया अपने लिए। सो यहां पे मैं एजुकेशन की बात करना चाहता हूं कि बड़े ऑपरेटर कहां पे अपना पैसा लगाता है, स्मार्ट मनी कहां पे पैसा लगाता है,
एग्जैक्ट जो आपको दिखाया जा रहा है ब्रेकआउट उस पे कैसे काम किया जाता है या टॉप और बॉटम कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है पूरा आपको 15 दिन के ऑनलाइन क्लासेस उसके 6 महीने का मेंटरशिप है सो डोंट मिस डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उस पर क्लिक कर लेना एक बार डिटेल्स जाकर चेक करना आपको समझ में आएगा सारा कॉन्टेंट इतने कम प्राइस में पॉसिबल ही नहीं है। अर्ली बर्ड ऑफर में डिस्काउंट चल रहा है प्लीज ग्रैब दिस ऑफर 20 तारीख से क्लासेस चालू होंगी और इस बार कोई पोस्टपोन नहीं होगा क्योंकि जो क्लासेस 6 तारीख को थी 20 तारीख हो गया क्योंकि मेरा बीच में थोड़ा बाहर जाना पड़ गया तो 20 तारीख का कोई क्लासेस नहीं होगा और ऑनलाइन है बैठ के बात करते हैं ना रात को 9 बजे से क्लासेस चालू होगी और मंडे टू फ्राइडे लेट्स बात करना अपने वाकई में अगर सीखना चाहते हो ना प्रैक्टिकल नॉलेज लेना चाहते हो तो ही ज्वाइन करना टाइम पास के लिए मत आना मेरे दोस्तों ठीक है। और हाँ रहेगी स्ट्रैटेजी 70% साइकोलॉजी दूंगा 20% स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा और 10% एग्जीक्यूशन पे बात करेंगे जो पूरी दुनिया में मार्केट में बात करते हैं। स्टॉक सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और स्टॉक सिलेक्शन के साथ जितने कम से कम पैरामीटर में आप स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हो उतना ज्यादा पावरफुल है। लाइव देखेंगे लाइव सीखेंगे स्ट्रेट ट्यून विद किंग रिसर्च डिटेल चेक कर लेना रजिस्टर कर लेना। जय हिंद बाय बाय अपना ध्यान रखो और अपने परिवार का ध्यान।